हाई एवरी वन गुड आफ्टरनून वेलकम टू अन अकेडमी कैसे है सब बच्चे हाई गाइस हाई आवाज आ रही है कैन यू ऑल हेवी प्रॉपरलीस बच्चों मुझे क्यों नहीं आपके चैट दिख रही ओके यस हाय बेटा। कैसे हैं सब बच्चे? Well देखिए, हमने शुरू किया था एंड हमारे दो लेक्चर्स इसके हो चुके हैं जिसमें हमने बेसिक डिस्कस किया था अबाउट द ग्लाइकॉलिस प्रोसेस पूरा हमने कर लिया था ग्लाइकॉलिस के बाद हमने देखा कि किस तरीके से लिंक रिएक्शन होती है और लिंक रिएक्शन के बाद बेटा आपका कैसे बन जाता है। आज हमने उससे आगे करना है इनफैक्ट हम थोड़ा सा क्रेप साइकिल स्टार्ट कर चुके हैं हमने बात की थी कि जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो चार स्टेप होते हैं ग्लाइकोलिस होता है उसके बाद आपका लिंक रिएक्शन होता है देन क्रेप साइकिल होता है देखिए दो पहले स्टेप है ना दो पहले स्टेप लाइकोलिस और लिंक रिएक्शन हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं हमारे पास दो स्टेप बचे हैं कौन से क्रेप्स साइकिल और ईटीएस ये दोनों स्टेप हम आज करने वाले हैं सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट द मोस्ट डिफिकल्ट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज क्रेप्स साइकिल एंड ईटीएस मतलब ये सबसे गंदा लगता है क्रेप साइकिल को बेटा आज मैं माफिया मंगू टेक्निक से समझाऊंगी कैसे माफिया मंगू याद रखना मंगू का नाम मंगू बहुत ही माफिया टाइप का इंसान था क्लास में हर बच्चे को परेशान करता था तो क्रैप साइकिल बेटा माफिया मंगू टेक्निक से हम सीखेंगे एंड देन उसके बाद हम ईटीएस के बारे में भी बात करेंगे बहुत सारी केमिस्ट्री है इसमें इलेक्ट्रॉन इधर इधर बट सबको बहुत सिंप्लीफाइड वे में करते हुए आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं लेकिन आज का सेशन मैं आपको पहले बता दूँ पहले बता दू अगर आपको लगता है कि आप आ, आपस में बातचीत करके या फिर आधा टाइम चैट आधा टाइम सेशन तो हमें समझ आ जाएगा नहीं बेटा आज का सेशन ऐसे समझ नहीं आएगा इट इज अ टिपिकल इट इज Attention required step. ठीक है है आज आज का बहुत ही ज़्यादा देने देने वाला है। तो यार आज, Saturday, 12th of November, को देने के लिए तैयार तैयार हो ताकि हम क्रेप, और खत्म करें बताओ सब बच्चे बच्चे कह रहे हैं टेस्ट कब करें बेटा टेस्ट शुरू कर दो अब कौन सा समय आएगा अब बेटा कोई समय नहीं आएगा टेस्ट अभी शुरू करने हैं ये हाई टाइम था आपको कर देने चाहिए थे कर देने चाहिए थे 50 परसेंट सिलेबस तो हो चुका है ना 60 at least, syllabus is now done. ठीक है है जब इतना हमारा हो जाता है, तो हमें अपने टेस्ट चालू कर देने चाहिए चाहे मत बेटा टेस्ट, तो टेस्ट, टेस्ट देना शुरू कर दीजिए भागना नहीं है टेस्ट से ओके हाँ ये बहुत बढ़िया है जय प्रजापति आए हैं इनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है मैम मोटिवेशन दे दो बेटा मोटिवेशन क्या बाजार में मिलती है या मैंने यहाँ पर पूरे वो लगाए हुए हैं मोटिवेशन के बेटा मैंने मार्केट लगाई हुई आओ मेरे से मोटिवेशन खरीदो और ले जाओ मेरे घर में तो मोटिवेशन की दो अलमारियां भरी पड़ी हैं बेटा मोटिवेशन मोटिवेशन उस दिन काम आएगी तुम्हारे जिस दिन तुम लोगे यानी कि मैंने तुम्हें आज मोटिवेशन दी तुम आज बेटा वो काम कर लोगे बट व्हाट अबाउट व्हाट अबाउट द हैबिट एक चीज मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर की थी मैं तुम्हें दिखाती हूं आई शेड समथिंग ऑन माई टेलीग्राम आई नीड टू शो यू समिंग मोटिवेशन बेटा एक दिन काम करती है बट क्या आने वाले 200 दिन तक तुम्हारी मोटिवेशन काम करेगी तुम खुद सोचो आने वाले 200 दिन तक मोटिवेशन काम करेगी कौन आया बड़े फेक ग्रुप बना के बैठे मैं ही फेक ग्रुप में एंट्री ले, ले लेती हूँ और मुझे ब्लॉक कर दिए बच्चों ने कौन है ये यार मैंने कहा देखा था कहा देखा था इंस्टाग्राम पे शेयर किया था अब वो गायब हो गई होगी स्टोरी गॉड स्टोरी गायब हो गई बेटा किसने देखा था मेरे इंस्टाग्राम पे नाउ आई फाइंड नाउ आई कांट फाइंड वो ना ऐसे ग्राफ बना हुआ था मैं आपको दिखाती हूं क्या बना हुआ था ऐसे एक बार ग्राफ बना हुआ था जैसे ये आपकी स्टोरी ये आपका यू नो ग्रोथ प्लान है कि आप एक स्टार हो आपको ऐसे ग्रो करना है ठीक है जी तो ऐसे बना हुआ था अच्छा दो बना दिए मैंने दो ही बने हुए थे ठीक है जी एक इधर इधर और इस वाले को बेटा मैं थोड़ा सा इधर कर देते हो वो कह रहे थे कि अगर तुम एक स्टार हो अगर बेटा मान लीजिए तुम एक स्टार हो तुमको मैंने मोटिवेशन दिया ये देखो बेटा पंप भर दिया जय प्रजापति को पंप भर दिया देखो मैंने ठीक है मोटिवेशन का पंप भर दिया बेटा ये आज के दिन ही बस काम करेगा वॉट अबाउट द रेस्ट डेज़ क्या कल पेपर है नीट का जो आज दो कल पेपर 200 यार बाकी दिन को क्या करोगे रोज मोटिवेशन मांगोगे हर हाँ टीचर से जाके मांगोगे नहीं बेटा लेकिन अगर मोटिवेशन की जगह अगर बेटा मोटिवेशन की जगह तुम हैबिट बनाते हो क्या चूज करते हो बेटा हैबिट चूज करते हो तो यार ये ये हर दिन तुम काम करते हो एंड देन यू विल रीच ओवर देयर ठीक है तो मिस्टर जय यहां नीचे रह जाना है या फिर वहां ऊपर पहुंचना है अब ये तुम पर है हैबिट हो नीचे पढ़ने की मोटिवेशन एक दिन काम करती है बट हैबिट विल टेक यू अ लॉन्ग वे ठीक है हैबिट को मैं यहां पर बोल सकती हूं कंसिस्टेंसी यहां पर बेटा इसको बोला जाता है डिसिप्लिन डिसिप्लिन टू अटेंड क्लास डिसिप्लिन टू रिवाइज द क्लास डिसिप्लिन टू कम एवरी डे ठीक है ये होती है हैबिट हाँ ठीक है मोटिवेशन की भूख नहीं होनी चाहिए किसकी भूख होनी चाहिए बताएंगे सब बच्चे डिसिप्लिन की भूख होनी चाहिए यूनिट नया चालू हो रहा है तो दर्शन दे, दे देंगे नई सीरीज लेके आई है तो मैम आ जाएंगे है ना अरे वाह मैम एनसीआर सीरीज ले आई अरे वाह पीवाई क्यों सीरीज आ गई अरे वाह एजर्शन रीजन सीरीज आ गई ठीक है ये अरे वाह अरे वाह करके तुम पहले दिन ही आते हो यानी कि तुम बस इसी दिन के स्टार हो फर्स्ट दिन के स्टार हो लेकिन बेटा नीट तो उसका क्लियर होगा जो आखिरी दिन भी स्टार होगा ठीक है तो तुम्हें किसकी भूख चाहिए डिसिप्लिन की तो जब भी जो भी स्टार्ट हो रहा है जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको तरीके से पढ़िए हर टीचर को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को तीनों सब्जेक्ट्स को साथ में लेके करो हर दिन मेहनत करो बेटा आपको मोटिवेशन बीच बीच में फायदा करती है

हाँ डीपी भी भूल गई यार मैंने मोलिकुलर बेसिस की अपने प्लस वाले बच्चों को तो दे दी है एम की मैं इसको भूल गई हूँ इसको भूल गई थी कोई बात नहीं मैं आज कर दूंगी. मैं आज कर कर मैं यस चलिए शुरू करें बेटा सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्रेप साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं ये जय प्रजापति के को सब थैंक यू बोलेंगे क्योंकि उसके हेल्प से सारे बच्चों ने सीख लिया कि भैया मोटिवेशन की भूख नहीं चाहिए सीट मैम के बच्चों को किसकी भूख चाहिए डिसिप्लिन की भूख है हर दिन अपने आप को याद करवाना है हर दिन कि हम लोग मोटिवेशन के भूखे नहीं है हम लोग डिसिप्लिन के भूखे है और डिसिप्लिन लेकर आएंगे ठीक है आने वाले छह महीने हम भी अपना वो वर्जन देखेंगे जो हमें भी नहीं पता कि यार हम उतनी मेहनत कर सकते हैं सो वी विल ऑल्सो सी वन वेरी यू नो मॉडिफाइड इवॉल्व वर्जन ऑफ आर सेल्फ ठीक है जी चलो शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास आज अपने ने क्या डिस्कस करना है क्रेब्स साइकिल कुछ चीजें बेटा मैंने क्रेब्स साइकिल की आपको पहले ही बता दी थी कि क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या है मैंने लिख दी थी मैं खोल के दिखाती हूँ पिछली क्लास में शायद हमने लिखा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग डिड वी राइट इट और डिड वी नॉट नहीं लिखा था लिखा होगा एक सेकंड रुकिए मुझे ऐसा याद आ रहा है मैंने लिखा था हाँ लिखा था लिखा था लिखा था यस ओके सो ये है अपना मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि क्रेब्स साइकिल बेटा का नाम क्रेब्स साइकिल क्यों डला है क्योंकि इट इज गिवन बाय हंस क्रेब किस कहां पर डिस्कवर किया था फ्लाइट मसल ऑफ द पिजन कहां पर होता है लोकेशन इज मैट्रिक्स ऑफ माइटोकांड्रिया कहा से आवाज आ रही थी लेकिन अब मुझे पता है एक बार पहले भी आई थी सो आई नो आवाज कहां से आ रही थी <laughs> ये देखो सीरी ना बहुत चीजें खेलता रहता है मेरे साथ सीरी का मन करता है मुझे पढ़ाने लग जाएगा मेरे लेक्चर से तो सीरीज लाइक दैट सीरी चाहता था कि तुम रिपीट करो तो तुमने रिपीट कर लिया चलो ओके सो द लोकेशन इज मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ट्रिया अभी हम करने वाले हैं बेटा माफिया मंगू की कहानी आने वाली है ठीक है जी चलिए तो इसमें अब तक हमने क्या किया अब तक बेटा हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल था उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलिस के द्वारा साइटोप्लाज्म के अंदर दो एसिड बनाए फिर ये एसिड उठ के चला गया मैट्रिक्स में मैट्रिक्स में बेटा अपने वहां पर दो एसिटाइल को एं बनाए थे यानी कि एक बारी में एक साइकिल में एक एसिटाइल को एंट्री होता है। मतलब पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितना साइकिल चलेगा पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बेटा आपके दो क्रेप साइकिल चलेंगे याद रखना है अब क्रेप साइकिल का दूसरा नाम क्या है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर इसको सिट्रिक किए थे सी थ्री सी फोर हमने वहां देखा था कि फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है इसमें इसमें बेटा हम फर्स्ट प्रोडक्ट देखेंगे जो फर्स्ट प्रोडक्ट कंडेंसेशन के द्वारा बनता है उसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड अब सिट्रिक एसिड आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है उसमें कितने कार्बन है कितने कार्बन है छह कार्बन है लेकिन तीन सीओ एच ग्रुप है तीन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो इसके दो नाम और बन गए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड और सिट्रिक साइकल, इसके दो नाम आपके पास और बन गए चलिए अब माफिया आए चलो बेटा मान लो एक क्लास में एक स्कूल था कहीं का भी ले सकते हो बिहार का यूपी का कहीं का बेटा कोई स्कूल था वहां पर स्कूल में बच्चों का डॉन जैसे डॉन होते हैं हर इंडस्ट्री में डॉन होते हैं तो बच्चों का डॉन कौन था माफिया मंगू कौन था बेटा माफिया मंगू। इस माफिया मंगू मंगू इस से सब बच्चे बड़ा डर के रहते थे जो अचानक से नया स्कूल बदल के आते थे उनको तो और डर लगता था यार माफिया मंगू का पूरा झुंड था ग्रुप था है ना बहुत सारे बच्चे उसके पीछे पीछे हाँ माफिया जी जो बोलेंगे वही हम करेंगे मतलब ही वॉज लाइक अ वाइब एक वाइब थी यार इसका एक बहुत ही डरावना किस्म का आदमी था माफिया मंगो क्लास में आ जाते थे तो सर सब बच्चे उठ के पीछे चले जाते थे माफिया मंगो अपने कैंटीन में गए तो कैंटीन वाले भैया भी उनको फ्री में खाना खाने दे रहे थे समोसा दे रहे थे पैटी दे रहे थे साथ ही बेटा कोल्ड ड्रिंक भी दे रहे थे माफिया मंगो से पैसा नहीं मांगता था कोई यस बेटा माफिया मंगो से कोई पैसा नहीं मांगता था और स्कूल के बच्चे क्या टीचर भी डरते थे टीचरों को बहुत डर लगता था कि इसको कुछ नहीं कहना यार पढ़े ना पढ़े हमें इससे कोई लेना देना नहीं है लेकिन फिर आया फिर आया बेटा स्कूल के अंदर बदलाव जैसे जैसे इंडिया में बदलाव आ रहा है वैसे ही स्कूल के अंदर क्या आया बदलाव और एक मुहिम चली कि हम अपनी क्लास को हर क्लास में बेटा एक मुहिम चलेगी यार चैरिटी एट होम हम लोग अपनी अपनी क्लास की रक्षा माफिया मंगी से खुद माफिया मंगी करें माफिया मंगू से खुद करेंगे यानी कि हर क्लास ने एक मोटो बना लिया एक स्लोगन बना लिया दैट वी हैव टू कीप आवर क्लास सेफ फ्रॉम माफिया मंगू माफिया मंगू से हम अपनी क्लास को बेटा बिल्कुल सेफ रखेंगे तो यार मान लो ये क्लास है क्लास में ये माफिया मांगो का ग्रुप है भैया तो पता ही है एक डॉन होता है डॉन के पीछे चार चमचे और चल रहे होते हैं ठीक है उसका ग्रुप चल रहा होता है क्लास में एक नए बच्चे ने एंट्री ली ठीक है नए स्कूल से आया नए नए स्कूल से आया इसने बेटा एक मुहिम चलाई कि मैं इस क्लास को मैं इस क्लास को इस माफिया मंगू के गिरोह से बचाऊंगा तो यार ये जो नया बच्चा था नया बच्चा था वो तुम में से कोई भी हो सकता है वो तुम में से कोई भी हो सकता है उसने एक मोटो बनाया उसका मोटो था दैट आवर क्लास इज ऑलवेज उसने बोला कि मैं अपनी क्लास को हमेशा सेफ एंड एंड सिक्योर सिक्योर फ्रॉम माफिया मंगो माफिया मंगो बेटा ये जो नया बच्चा आया ना इसने डिसाइड किया कि मैं अपनी क्लास को सेफ रखूंगा मैं अपनी क्लास को सिक्योर रखूंगा किससे माफिया मंगू से ये बेटा तुम्हारा क्रेब्स साइकिल है बस यही क्रेब्स साइकिल है तुम्हें माफिया मंगू की बेटा कहानी याद हो गई तो बस यही है बेटा अपना क्रेब्स साइकिल इसको ऊपर पहुंचा देते हैं हाँ जी यस दिख रहा है सबको दिख रहा है आवर क्लास उसने बोला ये मेरी क्लास है

ठीक है जी एस से आइसोसिट्रेट आइसोसिट्रेट ठीक है फिर ओ ऑलवेज में क्या आ रहा है ओ वाला ऑलवेज एस एम एस लैंग्वेज में नहीं लिखते ओ वाला ऑलवेज ऑक्जेलो सक्सीनेट, सक्सीनेट के फॉर यस ये एसिड एसिड ठीक है एच फॉर सक्सिनाइल को है सक्सिनाइल को ए एंड पे कुछ नहीं है बेटा नेक्स्ट एस फॉर सक्सिनिक एसिड और माफिया से क्या होगा माफिया मंगू से बेटा क्या होगा एम फॉर मैलिक एसिड, ठीक है एम फॉर मैलिक एसिड तो ये है बेटा माफिया मंगू की कहानी देखो जिंदगी में कोई तो बदलाव लाएगा ये डॉन लोग कब तक रहेंगे कब तक रहेगा कोई तो क्लास का मोदी कोई तो क्लास का योगी आदित्यनाथ आएंगे और बेटा सफाया करेंगे जुर्म का ठीक है जी तो का सफाया करने के लिए मुहिम चलाई गई हर क्लास में दट आवर क्लास एंड सिक्योर फ्रॉम माफिया मंगू ठीक है जी यस yes? याद करो फटाफट माफिया मंगू टेक्निक बेटा स्पेशल टेक्निक अपने ने अपनी क्लास को बिल्कुल सेफ रखना है किससे माफिया मंगू से यस yes, बच्चों चलो अब यार ये जो क्रेप साइकिल हम अभी करने वाले हैं इस क्रेप साइकिल में ग्लूकोज का तो सबस्ट्रेट जा रहा है जैसे टूटा उसने पायरुविक एसिड बनाया एसिड से अल्टीमेटली हमने को में बनाया बेटा फैट भी तो टूटते होंगे कल को तुम व्रत पे चले जाओ तुम करवा चौथ का व्रत रख लो या हड़ताल पे चले जाओ भूख हड़ताल मम्मी बनाया मैं नहीं खाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा आज मैं भूख हड़ताल पर मैं कल खाना खाऊंगा यार कभी तो तुम्हारा ग्लूकोज खत्म होगा यानी कि दूसरे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का भी टर्न आएगा अब बड़े पते की बात है बेटा, जितने भी उनमें ये जो कॉमन है, है मतलब चाहे तुम ग्लूकोज तोड़ो चाहे तुम प्रोटीन तोड़ो चाहे तुम फैट तोड़ो क्रेप्स साइकिल तो होना ही होना है मतलब क्रेप साइकिल में एंट्री मारने के लिए कौन चाहिए होता है क्रेप साइकिल में एंट्री मारने के लिए मैंने बताया था एसिटाइल कोएंजाइम ए चाहिए होता है यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा ही बनेगा चाहे तुम ग्लूकोज तोड़ दो प्रोटीन तोड़ दो फैट तोड़ दो तो यार यहां पर मैं एक लाइन लिख सकती हूँ कि ये जो क्रेब्स साइकिल है क्रेब्स साइकिल है एक कॉमन प्रोसेस है कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे है किसके लिए फॉर फॉर ऑल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ना मतलब तुम प्रोटीन तोड़ लो तुम कार्बोहाइड्रेट तोड़ लो कार्बोहाइड्रेट तो चलो तोड़ ही रहे फैट तोड़ लो हर एक में हर एक में तुमको एसीटाइल को बनाना ही बनाना पड़ेगा ये मस्ट है बेटा इसके बिना बात नहीं बनेगी ये बनाना ही बनाना पड़ेगा मतलब हर एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट टूट के जाएगा बनाएगा एसिटाइल को यानी कि एसिटाइल को इज अ कॉमन एंटरेंट नया वर्ड आ रहा बेटा कॉमन एंटरेंट इन द करेब्स साइकिल ऐसा नहीं है फैट कुछ और बनाएंगे और क्रेब्स में घुसा देंगे प्रोटीन कुछ और बनाएंगे और क्रेब्स में घुसा देंगे नहीं सबको सबको बेटा में बनाना पड़ेगा और वो फिर क्रेब्स साइकिल में एंट्री लेगा ठीक है जी चलिए माफिया से आपने सारी चीजें याद कर ली क्योंकि बेटा से बनाएंगे हम आवर क्लास इज ऑलवेज फॉर ऑलवेज केप्ट सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम माफिया मांगू याद करो अभी याद करो ताकि बेटा मैं क्रेप साइकिल ड्रॉ करूं यस yes. बताओ बताओ हाँ जी बेटा पिछली पीडीएफ मिल गई थी बिल्कुल बिल्कुल पिछली पीडीएफ मिल गई थी हाँ मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी थी आप भी बेटा वो ज्वाइन करके रखे वहीं पे मैं डीपीपी भी शेयर करूंगी भूल गई थी कल क्लास नहीं होगी तो कल कल के दिन देखो अब तुमने फाइनल्स तो देखना नहीं है ऐसा तो है नहीं कि कल इंडिया पाकिस्तान का फाइनल है सबकी उम्मीदें टूट चुकी है ये संडे हमने सोचा था कि हम पढ़ाई नहीं करके मैच देखेंगे वर्ल्ड कप का फाइनल देखेंगे बट अब नहीं देखेंगे अब हम क्या करेंगे कल अब तेरह नवंबर को हम बेटा डीपीपी सॉल्व करेंगे फोटोसिंथेसिस की की मिनरल रेस्पिरेशन की भेज खैर हमारा चैप्टर नहीं खत्म होगा तब तक ईटीएस तक आज हो जाएगा थोड़ा सा बच जाएगा केमियोस्मोसिस और यू नो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वाला वो हम मंडे को करेंगे बट कल डीपीपी सॉल्व करने का दिन है, है ना चलिए शुरू करते बेटा साइकिल <coughs>

एसेट इसको शॉर्ट में बेटा अब से मैं ओएए बोलूंगी ठीक है जी कितने कार्बन कंपाउंड होता है बेटा ये हमने फोटोसिंथेसिस में भी किया था फोर कार्बन कंपाउंड होता है और इसके साथ बेटा कौन जुड़ता है वाटर जुड़ता है और ये सब बेटा जब पानी जुड़ता है तो क्या होती है कौन सी रिएक्शन होती है कंडेंसेशन रिएक्शन होती है भैया टू कार्बन वाला फोर कार्बन वाले से जुड़ेगा तो कितना कार्बन बनेगा बच्चों टू तो कार्बन वाला फोर कार्बन वाले से जुड़ेगा प्लस कर दो कितने कार्बन वाला बन जाएगा कार्बन वाला और कौन बनेगा बनेगा बेटा जी अपने पास सिट्रिक एसिड कितना कार्बन रहेगा इसके पास सिक्स कार्बन अब ये जो रिएक्शन हुई है जिसका नाम है कंडेंसेशन, याद करो नाम क्या है कंडेंसेशन सी फॉर ने सी फॉर सिट्रिक एसिड बनाया ये याद करना है रिएक्शन किस टाइप की है कंडेंसेशन ये जो रिएक्शन है एक एंजाइम की मदद से हुई सारी रिएक्शन बेटा एंजाइम की मदद से होंगी यहां पर एंजाइम का नाम है सिट्रेट सिंथेसिस सिट्रेट सिट्रेट सिंथेस ठीक है जी मैं पहला स्टेप स्पेशली अलग से लिख रही हूं साइकिल अगले पेज पे बनाऊंगी साइकिल अगले पेज पे बनाऊंगी तो फर्स्ट स्टेप याद कर लो एसिटाइल कोएंजाइम में आया हमने इसको एग्जेलोएसिटिक एसिड जो कि चार कार्बन वाला था उसके साथ जोड़ा और क्या बना लिया सिक्स कार्बन वाला सिट्रिक जिसके पास तीन सी है इसीलिए सब बच्चे, सब बच्चे, अपनी कॉपी को पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप मोड में कर ले किसमें कर ले? लैंडस्केप मोड में कर ले पता ना लैंडस्केप मोड क्या होता है पोर्ट्रेट मोड ऐसा होता है लैंडस्केप मोड ऐसा होता है तो ऐसे कर लो बेटा ठीक है क्योंकि ये साइकिल ऐसे ही बनेगा पोर्ट्रेट मोड में तुम बड़ा घचर पचर कर दोगे बन नहीं पाएगा ठीक चलिए तो साइकिल बनाते हैं बिना किसी देरी के फर्स्ट स्टेप में ऑलरेडी लिखवा चुकी हूं और वो माफिया मांगू की टेक्निक याद रखेंगे माफिया मांगू की टेक्निक याद रखेंगे ओके हाँ जी चलिए शुरू करते हैं किससे शुरू करें Glycolysis और लिंक रिएक्शन के बाद मुझे क्या मिला मुझे मिला बेटा एसिटाइल को एंजाइम ए कौन मिला एसिटाइल को जी उसने एंट्री मारी मारने के बाद बेटा वो किससे मिला उसको रस्ते में साइकिल का कौन सा बंदा मिला हमने बात कर ली है उसको बेटा रस्ते में कौन मिले ओ एक्सैलो एसिड इस ऑग्जैलो एसिटिक एसिड के पास कितना कार्बन था 4 कार्बन था एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास कितना कार्बन था 2 कार्बन था यानी कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एसेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलकर बेटा मिलकर क्या बना दिए मिलकर बेटा बना देंगे सिट्रिक एसिड ठीक है तो पहला प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल क्या बन गया सिट्रिक एसिड ठीक है जी इसको डब्बे में डाल रही हूं जो जो क्रेब्स साइकिल के प्रोडक्ट है मैं उन सबको डब्बे में डाल रही हूं ठीक है आई एम पुटिंग देम इन अ बॉक्स यस Yes, क्या बन गया बेटा सिट्रिक एसिड बन गया ठीक इस रिएक्शन का नाम क्या है इस रिएक्शन का नाम है कि ऑब्जैलो एसिड की हमने करा दी कंडेंसेशन इस रिएक्शन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंजाइम यूज हुआ जिसका नाम है सिट्रेट सिंथेस कंडेंसेशन हो चुकी है और अपने पास फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ साइकिल आ चुका है दिस इज कॉल्ड एज सिट्रेट ठीक है जी यानी कि आवर क्लास हो गया

ये देख लीजिए क्या बन गया अगला आइसोसिट्रेट रिएक्शन कौन सी हुई रिएक्शन हुई आइसोमराइजेशन पहली कंडेंसेशन थी बेटा दूसरी क्या है आपकी आइसोमराइजेशन याद रखना है ठीक है यस यहां पर बेटा एंजाइम यूज करेंगे आइसोमरेज यूज करेंगे बट इस आइसोमरेज को हम बोलते हैं एकोनिटेज क्या बोलते हैं सो हेयर दॉनिटेज ठीक है जी आवर क्लास इज तक हो गया है आवर क्लास इज तक हो गया है आइसोसिट्रेट बेटा इसमें इंपॉर्टेंट एंजाइम में, में हाईलाइट कर देती देते इंपॉर्टेंट एंजाइम आपका सिट्रिक सिंथेस है एगोनिटेज इतना नहीं है बट हां लिख रहे हैं हम हां जी आइसोसिट्रेट से आगे इज कैप्ट इज ऑलवेज केप्ट ओ फॉर ऑलवेज था तो आइसोसिट्रेट से अगला जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बाय डीहाइड्रोजिनेशन आइसोसिट्रेट में से हाइड्रोजन एटम बाहर निकाल लो और क्या बन जाएगा ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड अब बेटा ये सब चीजें हम पहले लिख चुके हैं तभी मैंने तुम्हें वो ट्रिक पहले लिखवा दी है ठीक है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड सो आई विल राइट ओवर हियर ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड ठीक है जी क्या बन चुका है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड कैसे बना कैसे बना बेटा बना आफ्टर द डीहाइड्रोजिनेशन ठीक है इसकी हमने की डी हाइड्रोजिनेशन हमने यहां से हाइड्रोजन आइटम निकाल लिया कौन निकालेगा भैया डीहाइड्रोजिनेशन इज ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन करने के लिए मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए ऑक्सीडेशन बेटा जी करने के लिए मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए एंड हेर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट वी आर गोइंग टू यूज इज इसी पॉजिटिव

आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज ठीक है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज ठीक है जी यहां पे लिख लेते हैं आइसोसिट्रेट डी सिंपल है बेटा अभी रट्टे नहीं मारने हैं जहां पर डीहाइड्रोजनेशन कर रहे हो एंजाइम हो जाएगा डी जहां पर तुम डी कर रहे हो एंजाइम क्या हो जाएगा डी वन इज गोइंग टू बी कीटोग्लुटरिक एसिड नेक्स्ट वन इज एल्फा कीटो ग्लुटाइरिक एसिड इसको कीटोग्लुटाइरिक एसिड भी बोल सकते हो और एल्फा कीटोग्लुटाइरिक एसिड भी

सक्सिनेट डी कार्बोक्सिलिस ठीक है बेटा एक बारी बेटा बनाने में थोड़ा दर्द होगा तुमको क्रेब्स साइकिल बन जाएगा तो सब चीजें आसान हो जाएंगी ठीक है बन जाएगा तो सब चीजें आसान हो जाएंगी अल्फा कीटोग्लूटैरिक एसिड अब तक बेटा कार्बन नंबर एक बार देख लेते हैं हमने एसिटाइल कोएंजाइम में, में मेरे पास दो कार्बन थे कितने कार्बन थे बच्चों दो कार्बन थे इसके साथ कार्बन वाला सामान डाला तो मेरे पास सिक्स कार्बन वाला सिट्रिक एसिड बना था अब तक बेटा कार्बन का नंबर ही, था, क्योंकि हमने कहीं भी निकाला ही नहीं है ये भी carbon, ये भी carbon, मतलब, एक पहला, पहला सबस्ट्रेट होगा जिसके पास सिक्स नहीं कितना कार्बन हो गया बेटा फाइव कार्बन हो गया यस yes, कितना कार्बन हो गया फाइव कार्बन हो गया चलिए जी तो के फॉर कीटोगलूटरिक एसिड हो गया अगला स्टेप देखो अगले स्टेप में तुम कीटोग्लूटाइरिक एसिड से दो चीजें निकालोगे एक तो सियोटो निकाल दो और उसमें से हाइड्रोजन एटम निकाल दो यानी कि उसकी डीकार्बोक्सिलेशन कर दो और डीहाइड्रोजनेशन कर दो ऑक्सीडेशन कर दो और क्या बना दो सक्सीनाइल कोएंजाइम को, को ठीक है जी अगला क्या बनाया सक्सीनाइल को ए कैसे बनाया दो चीजों के लॉस से बनाया एक तो बेटा तुमने यहां से निकाला सीओ टू फिर से क्या निकाला सीओ टू और बेटा यहां पर क्या किया हाइड्रोजन एटम भी निकाल के NAD+ पॉजिटिव को दे दिया तो यहां पर भी जो एन पॉजिटिव है वो क्या बना रहे हैं एन ए डी एच बना रहे हैं। ठीक है NADH बना रहे हैं। मतलब इस स्टेप में क्या क्या हुआ दो चीजें हुई डीकार्बोक्सिलेशन एंड डी हाइड्रोजिनेशन में हट जाती हूँ यार अब दिखेगा मैं हट जाती हूँ बेटा अब दिखेगा ठीक है जी यस दिख रहा है सबको तो एनजाइम का नाम लिख दे दैट इज गोइंग टू बी एल्फा कीटोग्लुटा एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंड डीहाइड्रोजिनेज सो हे दाइम इज कीटोग्लुटाइरिक एसिड कीटोगलुटरिक एसिड डी कार्बोक्सीस ठीक है एंड डीहाइड्रोजिनेस डीहाइड्रोजिनेस ठीक है जी ओके okay, चलिए बेटा मैं रिप्लाई करूंगी पहले मुझे कंप्लीट कर लेने दो तुम लोग ये जो डिफिकल्ट वाला भाई मैं बता रही हूं डिसिप्लिन डिसिप्लिन की कमी है तुम में कमी चल रही है अभी मैं इसमें से सवाल पूछूंगी बेटा इसी साइकिल में से बड़ी सारी चीजें हम करने वाले हैं साइकिल नहीं समझा तो कुछ नहीं होगा ए से अल्टीमेटली हमने क्या बना दिया टू बी सक्सीनिक एसिडिक एसिड यही था ना सिक्योर ठीक है हमने इससे अल्टीमेटली क्या बना दिया बेटा जी सक्सीनिक एसिड बनाया बना लो ये लीजिए पर बना दिया सक्सिन एसिड जब अपने ने बनाया, तो यहाँ पर बेटा एनर्जी भी बनी ठीक है एनर्जी भी बनी देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ जीटीपी एटीपी नहीं बना बेटा जीडीपी बना सो जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ के क्या बनाए जीटीपी जीटीपी बेटा इज इक्विवेलेंट टू एटीपी एक ही बात है एक ही बात है अब सक्सीनिक एसिड से अल्टीमेटली हम लोग क्या बना लेंगे फ्यूमेरिक एसिड ठीक है फ्रॉम फ्यूमेरिक एसिड ठीक है जी याद रखना बेटा जब फ्यूमेरिक एसिड बनता है तो साथ में एफएडीएच2 भी बनता है साथ में बेटा क्या बनता है एफएडीएच2 भी बनता है तो एफएडी पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन और क्या बन गया एफएडीएच2 पहले एनएडीएच बनाया एक और टाइप का बेटा रिड्यूस्ड कोएंजाइम बना दैट इज एफएडीएच2 ठीक है जी फ्यूमेरिक एसिड से अल्टीमेटली यस yes, मैलिक एसिड से आखिरी फ्रॉम किससे बचाना है क्लास को माफिया मंगू माफिया मंगू मतलब यहां पर क्या बनेगा मैलिक एसिड बनेगा क्या बनेगा बच्चों मैलिक एसिड बनेगा ठीक है जी यस yes. और मैलिक एसिड से अल्टीमेटली हम बनाते हैं ऑक्जैलो एसिड बाय अगेन डिहाइड्रोजनेशन तो यहां पर भी क्या होता है एन ए डी पॉजिटिव से क्या बनता है एन ए डी एच बनता है एंजाइम हेयर वुड बी मैलेट डीहाइड्रोजिनेस यहां पर एंजाइम क्या होगा मैलेट डी या तो यार हाइड्रोजिनेशन हो रहा है या डी हो रहा है मैलेट डीहाइड्रोजिनेस यहां पर भी बेटा सक्सिनिक एसिड की डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है तो एंजाइम इज गोइंग टू बी सक्सीट डी यस बेटा देखिए

बेटा अल्फा कीटोग्लुटैरिक एसिड ने फिर से डीकार्बोक्सिलेशन करके सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाया था तो फाइव से अपने पास कितने कार्बन हो चुके हैं अब फोर कार्बन इसके पास भी कितने हैं फोर कार्बन फोर कार्बन फोर कार्बन एंड फोर कार्बन ठीक है जी यस तो मतलब अगर बात करें क्रेब्स साइकिल में तो कितने-कितने कार्बन वाले कंपाउंड कितने तरीके के कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं टू कार्बन हो गया टू कार्बन के बाद बेटा फोर कार्बन सिक्स कार्बन फाइव कार्बन थ्री कार्बन वाला कोई नहीं है थ्री कार्बन वाला कोई नहीं है हां जी ओके <coughs> okay. क्या सबने देख लिया क्रेप साइकिल बना लो फटाफट से क्योंकि इसके बेस पे बेटा आप क्वेश्चन करेंगे बेटा जैसे एटीपी होता था एडीनोसेंट ट्राइफॉस्फेट वैसे गुआनोसेंट ट्राइफॉस्फेट जीटीपी ये भी एनर्जी सोर्स है बेटा इसके पास भी हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड है ये भी बिल्कुल इक्विवेलेंट टू एटीपी है यहाँ पर आपने डिफरेंट नहीं समझना दिस टू एटीपी ओके बना लिया आगे अगले पेज पे चलू कुछ ट्रिक्स लिखवानी है बेटा इसको याद करवाने के लिए इसको याद करवाने के लिए बेटा कुछ ट्रिक्स लिखेंगे लिख लें चलिए नेक्स्ट पेज पे अगर मैं आपको पहली ट्रिक बताऊं ये जो के है कीटो एसिड का के है है ना हमने किया था आवर क्लास इज के ऑलवेज केप्ट सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम माफिया मंगू तो यार जो केप्ट वाला के है याद रखना है के से पहले और के से बाहत, के से पहले और के से बाद आप क्या करते हो CO2 को रिमूव करते हो तो के से पहले और के से बाद CO2 निकलती है तुम देख लो पूरे साइकिल में पूरे साइकिल में बेटा सिर्फ दो जगह सीओ टू निकल रही है एक तो के से पहले निकल रही है और एक के के बाद निकल रही है बेटा याद करने के तरीके हैं ठीक है तो मैं याद करवा देती हूं आपको कि किससे पहले और किससे बाद के से पहले और के, के बाद क्या निकल रहा है सीओ टू बिल्कुल देशी भाषा में बेटा CO2 निकल रही है बिल्कुल देसी भाषा में बेटा लर्न करेंगे इसको याद हो गया क्योंकि दो ही जगह सीओ टू निकलती है तभी तो बेटा कार्बन से दोबारा फोर कार्बन ले आएंगे कार्बन कार्बन फर्स्ट प्रोडक्ट था हमारा पहले एक निकाली पे आ गए फिर एक निकाली फिर फोर कार्बन पे आ गए बस यहीं पर सीओ टू निकलती है ठीक है जी अब एनएडीएच कहां बन रहा है एनएडीएच कहां बन रहा है हम उसकी एक ट्रिक याद कर लेते हैं ट्रिक है जहां भी को और ऑक्सैलो की साउंड आएगी

को की आवाज आ गई तो इससे पहले एनएडीएच बनेगा ही बनेगा ठीक है जी आगे चलिए तो तो आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए ऑक्ोलो को साउंडलो की साउंड साउंड आ गई तो उससे पहले एनएडीएच बनेगा ही बनेगा ठीक है जी तो किससे पहले एनएडीएच बनना है बेटा को से पहले एंड ऑग्जेलो ये दो चीजें याद रख लो इनकी साउंड इनकी साउंड विल बी Preceded by NADH formation या इससे पहले एनईडीएच बने बेटा बिट, अगर तुमने याद नहीं किया ना एक तो माफी मांगोगे टेक्निक और ये तीन चीजें तुम कभी क्रैप साइकिल ना रट्टे मारते हुए नजर आओगे सिर्फ रट्टे मारते हुए नजर आओगे इससे बेटर तुमको नहीं मिलेगा मैं ये भी बता रही हूँ सीओ टू कहाँ निकालना है मैं ये भी बता रही हूँ हाइड्रोजन आइटम कहां निकालना है और ऑक्सीडेशन कहा करनी है इससे ज्यादा तुमको क्या चाहिए दूसरी चीज दूसरी चीज बेटा जब एप फॉर फ्यूमेरिक एसिड बन रहा है जब एफ फॉर फ्यूमेरिक एसिड बन रहा है उससे पहले एफ टू बनेगा ठीक है सो एफ फॉर फ्यूमेरिक एसिड एफ फॉर फ्यूमेरिक एसिड से पहले क्या बन रहा है एफ ए डी एच टू एफ एफ याद रखेंगे याद रखेंगे अच्छा अब इस पूरे प्रोसेस में क्या कहीं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है क्या कहीं बेटा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है बताओ सबस्टेट लेवल फॉस्फोराइजेशन हो रही है यस yes, बताओ कहां हो रही है मैंने लास्ट क्लास में बताया था व्हाट इज सबस्टेट लेवल फॉस्टोराइलेशन सोचिए और बताइए और साथ साथ पानी पीजिए जिसको आता है और सेशन को लाइक भी कर दिया करो है निकम्मो तुम आ जाते हो पूरा सेशन नोट करके चले जाते हो भैया टीचर को कैसे पता चलेगा कि तुम्हें पसंद आया आने वाले बच्चों को कैसे पता चलेगा कि तुम्हें अच्छा लगा समझ आ रहा है तो यार लाइक कर दो है लाइक कर दो जितने बच्चे उतने लाइक्स तो बनते हैं कि नहीं बनते हाँ जी तो कहां पर हो रही है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्टफर बेटा एक जगह पर हो रही है एक जगह पर हो रही है कौन सी जगह पर हो रही है जब सक्सीनाइल को एनजाइन एस को हम बना देते हैं इस कलर से हां जी एक जगह पर हो रही है जब सक्सीनाइल को एनजाइन ए क्या बना दे रहा है एसिड बना रहा है दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्टफॉरेशन बेटा एक सबस्ट्रेट जब दूसरे में चेंज होता है तो जब डायरेक्ट एटीपी बन रहे हैं भैया है, ये डायरेक्ट एटीपी है इसको मैं लिख रही क्योंकि दोनों सेम है एक ही बात है निकलता जीटीपी है, है तो पूरे क्रेप में सिर्फ एक ही जगह बनता है और वो तब बनता है जब एंजाइम में एसिड, ये कहलाएगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है बेटा लेकिन एक ही स्टेप पर होती है ठीक है एक ही स्टेप पर होती है ठीक है जी अच्छा अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं लेट अस राइट फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्रेप साइकिल अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हो क्रेप साइकिल का कौन सा स्टेप कौन सा स्टेप इज सिमिलर टू लिंक रिएक्शन मतलब उस स्टेप में भी लिंक रिएक्शन वाला काम हो रहा है देख लो मैं हट जाती हूं तुम देख लो व्हिच स्टेप इज सिमिलर टू लिंक रिएक्शन देखो और बताओ देखो और बताओ एक स्टेप है जो लिंक रिएक्शन के जैसा है बताओ 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 मतलब उसमें भी वो दो चीजें हो रही हैं जो लिंक रिएक्शन में हो रही थी भैया लिंक रिएक्शन में क्या हो रहा था लिंक रिएक्शन में दो चीजें हो रही थी डी और ऑक्सीडेशन यानी कि डीहाइड्रोजनेशन। दो चीजें डी और ऑक्सीडेशन किस स्टेप में हो रहा है

यानी कि वहां पर भी ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सीन होती है और वो स्टेप कौन सा है याद रखेंगे जब एल्फा कीटोग्लुटरिक एसिड कन्वर्ट इन को ये जब किसमें कन्वर्ट होता है सक्सीनाइल को एनजाइमे में कन्वर्ट होता है याद रखना है पूछा जा सकता है कि लिंक रिएक्शन जैसा कौन सा स्टेप है जब फाइव कार्बन से हम फोर कार्बन पे वापस आते हैं अल्फा कीटोग्लुटा एसिड फाइव कार्बन इंटू सक्सीनाइल को एनजाइम ए फोर कार्बन ठीक है जी यस yes. अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा आपको क्रेब साइकिल के बारे में याद रखनी है कि जितने भी एंजाइम हमने क्रेब्स में पढ़े जितने भी एंजाइम बेटा पढ़े आइसोसिट्रेट सिट्रेट सिंथेस डीहाइड्रोजिनेज डीकार्बोक्सिलेज ये सारे के सारे एंजाइम मैट्रिक्स में पाए जाते हैं सिर्फ एक एंजाइम को छोड़ के और वो जो एक एंजाइम जिसको छोड़ना है ट इज अदर देन सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेस सारे के सारे एंजाइम मैट्रिक्स में हैं सिर्फ ये जो सक्सीनेट डी हाइड्रोजिनेस है इट इज प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ इनरकॉन्ड्रिया ठीक है तो याद रखेंगे दैट ऑल एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल जी कहां पर मिलते हैं मैट्रिक्स में किसका माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा है बेटा एक्सेप्ट Except, एक्सेप्शन तो हमेशा होती है और इस पर सवाल भी आता है दैट इज सक्सीड्रोजिनेस इसको छोड़कर क्योंकि पाया जाता है ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मतलब ये हम यूज करेंगे पता कहाँ यूज करेंगे ईटीएस में कहा यूज करेंगे ETS में इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बेटा अभी तुम्हारी शक्ति खत्म हो रही है मैं देख रही हूँ खाना वाना खा के नहीं आते हो क्या है खाना पीना खा के नहीं आते हो खाना पीना नहीं खा के आते हो बताओ नहीं खाके आओगे तो कैसे चलेगा अभी तो ETS भी करना है ETS तो इससे, है। इससे भी थोड़ा सा टिपिकल है कैसे करोगे बताओ तुम बताओ कैसे करोगे तुमसे टीका ही नहीं जाता है। सागर बेटा क्यों पूछ रहे हो एनिमन अकेडमी बेटा सबके पासमी का सब्सक्रिप्शन है वही बच्चे ठीक है सबके पास है क्या चाहिए क्या चाहिए बताओ क्या पूछना है फायदा होता है नहीं होता बिल्कुल होता है बंदे पे डिपेंड करता है बेटा आप स्काई में हो स्काई कोचिंग में हो या किसी और कोचिंग में हो सबका सिलेक्शन नहीं होता ना लाखों बच्चे एडमिशन लेते हैं सिलेक्शन कुछ हजारों का होता है ठीक है तो वो डिपेंड ये नहीं करता कि वो स्काई थी कि लैंड था कि क्या था वो डिपेंड करता है बेटा तुम कैसे थे कोचिंग विल नॉट मेक यू अ टॉपर बच्चे पे तो किसी से आके पूछो मत तेरे पास है मेरे पास है अच्छा है नहीं है तुम पढ़ने वाले हो ना कहीं भी पढ़ लो कहीं भी पढ़ लो बेट ऑफलाइन ऑनलाइन तुम निकल जाओगे ठीक है कोचिंग से कोचिंग अच्छी नहीं अच्छी बुरी नहीं होती बेटा कोचिंग के बच्चे अच्छे बुरे होते हैं ठीक है इफ़ द रिजल्ट आर नॉट कमिंग दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द कोचिंग इट इज बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्टडिंग नॉट सीरियस ठीक है जी यस yes? ठीक है चलो आ जाओ शुरू करते हैं बेटा अब कुछ क्वेश्चंस रेडी फॉर सम क्वेश्चंस बेटा एक बार रिवाइज कर लो फटाफट फड़ से पिछले पेज पे जाके क्रेप साइकिल रिवाइज कर लो आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू <coughs> पूछ लो क्वेश्चन क्विज के लिए रेडी है क्विज के लिए रेडी है एक बार बता दो सेशन को लाइक like करके फटाफट से बता दो सेशन को लाइक like करके इफ यू आर रेडी फॉर क्विज और नॉट क्रेप साइकिल आएगा तभी ईटीएस समझाऊंगी नहीं तो नहीं समझाऊंगी बैठे रहना बैठे रहना बेटा यस रेडी फड़ से सेशन को लाइक करके बता दो कि रेडी है आई एम चेकिंग आउट एट द नंबर ओके चलिए क्वेश्चंस करते हैं अब मुझे बताइए इन वन क्रेप साइकिल एक क्रेप साइकिल मैंने चलाया पीछे एक क्रेप साइकिल में कितनी बड़ी डी कार्बोक्सिलेशन हुई नंबर ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन जी, बिना बिना ऑप्शन के बेटा कोई ऑप्शन नहीं दूंगी नंबर ऑफ डी कितनी हुई कार्बोक्सीन सबको पता है इतना केमिस्ट्री जानते हैं yes, तुम्हारे सामने बना हुआ कलर बड़ा -बड़ा से दिखाया यहां भी निकाला और, यहां भी निकाला, और तो कहीं निकाला क्योंकि यार हमने छह कार्बन से स्टार्ट हुए थे हम वापस चार कार्बन पे आ गए यानी कि दो बार निकाला तो टोटल तो नंबर ऑफ डी कार्बोक्सीडेशन हमने कितनी की टू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन वन साइकिल टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन कितनी बारी हमने ऑक्सीडेशन की या फिर ऑक्सीडेशन को डीहाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं डीहाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं कितनी बारी हमने डीहाइड्रोजनेशन की गिन के बताइए एक क्रेप साइकल आप कर चुके हैं नंबर ऑफ टाइम्स वी डिड ऑक्सीडेशन और डीहाइड्रोजनेशन यस गिनो 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 वन अरे यार बच्चों क्या कर रहे क्या कर रहे हो गिनती भूल गए गिनती भूल गए कितनी बारी बेटा डीहाइड्रोजनेशन की ये देखो फर्स्ट टाइम ये की डीहाइड्रोजनेशन कर रहे हैं 1 देन 2 ठीक है देन ये भी तो डीहाइड्रोजनेशन है एफएडी टू एफएडीएच2 2 3 एंड 4 है ना तीन बारी मैंने एनएडी पॉजिटिव की की एक बारी मैंने एफएडी पॉजिटिव की की तो तीन बारी एनएडी पॉजिटिव की की एक बारी बेटा एफएडी पॉजिटिव की की तो आंसर हो जाएगा 3 1 दैट इज 4 है ना 4

निकाले ठीक है जी दो सीओ निकाले अगर यही बात मैं करूं वन ग्लूकोज की किसकी करूं बेटा वन ग्लूकोज किसकी करें वन ग्लूकोज की तो वन में तुमको पता है कितना एसिटाइल में बनता है हमको पता है वन ग्लूकोज में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू एसिटाइल कोई में ठीक है अब अगर मैं दो एसिटाइल कोई में लेकर चलूंगी तो यार दो बार एक रेप साइकिल चलाना पड़ेगा तो कितने एनएडीएच बन जाएंगे कितने एनएडीएच बन जाएंगे तो तीन थे एक से तो दो से बन जाएंगे छे छे एन ए डीएच बन जाएंगे कितने FADH2 बन जाएंगे दो एफ एडीएच टू बन जाएंगे कितने डायरेक्ट एटीपी बनेंगे दो डायरेक्ट GTP ATP कुछ भी बोल लो और कितना सीओ टू बनेगा चार सीओ टू बनेगा यस yes, चार सीओ टू बनेगा बात बनी बात बनी अब हम एक चीज सीखेंगे आने वाले ईटीएस में एक चीज सीखेंगे अभी मैं थोड़ा सा तुम्हें बस जस्ट ओवरव्यू दे रही हूं अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको पता होगा कि एक एनएडीएच से कितने एटीपी बनते हैं एक एनएडीएच से बेटा तीन एटीपी बनते हैं और एक एफ से आपके दो एटीपी बनते हैं याद रखने ठीक है यस yes. तो वट आई एम गोइंग टू राइट दैट फ्रॉम वन एनएडीएच? वैसे मैं अभी सिखाऊंगी थोड़ी देर में आप तीन एटीपी बना सकते हो और एक एफ ए डी एच टू से आप 2 ATP बना सकते हो जब आप इसको ETS में डालते हो जब आप इसको ETS में डालते हो यानी कि अगर तुम इसको ETS में डालना शुरू करोगे ETS में डालना शुरू करोगे तो कितना ATP बन जाएगा थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं वैसे प्रॉपर बैलेंस शीट हम ETS के बाद ही बनाएंगे वी विल मेक अ प्रॉपर बैलेंस शीट ठीक है जी हां जी अगर तुम्हारे पास एक ग्लूकोज है एक ग्लूकोज है तो NADH से कितना ATP बनेगा भैया एक से 3 बनता है तो छे से सिक्स इंटू थ्री दैट इज एटीन एटीपी बन जाएंगे FADH2 में एक FADH2 से आपके दो एटीपी बनते हैं दो बनते हैं दो से कितने बन जाएंगे चार बन जाएंगे है ना एटीपी बन जाएंगे बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे और डायरेक्ट एटीपी टीपी यहाँ पर कितने बन रहे हैं दो तो बन ही रहे जीटीपी को बेटा मैं एटीपी के इक्विवेलेंट मान रहे हो तो टोटल तो एटीपी कितना बनाया हमने एक ग्लूकोज से एटीन प्लस फोर प्लस टू दैट इज चौबीस 24 एटीपीज बना लिए बेटा फ्रॉम 1 ग्लूकोस है ना कितने बना लिए 24 एटीपी और अगर यही बात करें हम 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए की एक की अगर बात की जाए तो यार एक से तीन बनते हैं तीन से कितने बनेंगे 3 3 9 यहां पर कितने बनेंगे 2 एटीपी यहां पर वन है ही तो टोटल यहां पर आ जाएगा ट्वेल्व एटीपी उसका आधा ही हो जाएगा ना ऑब्वियस बात है चौबीस का आधा कितना होता है बारह होता है वैसे हम प्रॉपर बैलेंस शीट ईटीएस के बाद बनाएंगे बट फिर भी आपको चीज पता होनी चाहिए बताओ क्लियर हिमानी शर्मा आप मेरा सेशन देखिए दो साल में नीट कैसे क्रैक करें बहुत अच्छा सेशन है उस पर अराउंड फोर पॉइंट फाइव लैक्स व्यूज है पीपल हैव इट नॉट मैंने प्रॉपर बताया कि अगर आप अभी इलेवंथ क्लास में और आप ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का नीट देना चाहते हैं तो कैसे करना है वहां से देखिए बेटा ठीक है यहाँ पर अब क्लास के बीच में रोक के आई कैन नॉट गाइड यू सेपरेटली वो एक सेपरेट सेशन है सर्च करो हाउ टू क्रैक नीट इन टू योर सीप पाऊजा आपको मिल जाएगा बहुत अमेजिंग सेशन है ठीक है हाँ बताओ यार जिसको इतना समझ आ गया इतना समझ आ गया बताओ डन चलिए अब ईटीएस चा, चालू करें ईटीएस बेटा चालू करें एक क्वेश्चन का आंसर देने के बाद बेटा ईटीएस करेंगे गिव आंसर ऑफ वन क्वेश्चन आंसर दीजिए बेटा मैंने आपको चार ऑप्शंस दिए और क्वेश्चन भी दिया हाउ मेनी डायरेक्ट एटीपीज आर फॉर्म फ्रॉम क्रेप ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने डायरेक्ट एटीपीज बनते हैं अरे तुम घूमे नहीं घूमे नहीं वेरी गुड वेरी गुड हां जी डायरेक्ट एटीपी एक ग्लूकोज एक ग्लूकोज का मतलब दो एसिटाइल कोएंजाइम है दो एसिटाइल कोएंजाइम का ए मतलब दो क्रेब साइकिल मतलब दो बारी साइकिल चलाना पड़ेगा एक बारी जब हम साइकिल चलाते हैं तो डायरेक्ट एटीपी कितना निकलता है वन दो बारी चलाएंगे तो कितना निकलेगा दो है ना दो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हां जी बढ़िया आंसर दिया तुमने इसका ये 12 वाले बच्चे 12 जो बच्चे कह रहे हैं बेटा डायरेक्ट एटीपी पूछे थे टोटल एटीपी नहीं पूछा है डायरेक्ट एटीपी पूछे थे टोटल एटीपी 12 है लेकिन वो भी एक ग्लूकोज के नहीं है टोटल एटीपी 24 होते हैं के बच्चों टोटल एटीपी 24 होते हैं प्लीज ध्यान दो अगर तुम्हारा कहीं ना कहीं मिस हो रहा है तो इसको दोबारा देखना ओनली थिंग इज कि जो बोलते हो ना मैम कैसे आया कैसे आया दोबारा रिपीट करके सुनोगे सब कुछ समझ आएगा सब कुछ बस तुमने ये सोच के बैठना कि हाँ मुझे इस क्लास से सब समझ आएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हाउ मेनी हाउ मेनी आर ऑप्टेन्ड ऑप्टेंड फ्रॉम वन क्रेब साइकिल एक क्रेब साइकिल से कितने रिड्यूस्ड को मिलते हैं तो ऑप्शन है आपके पास 12, 24, 2, 4. Same options. 12, 24. टू फोर सेम ऑप्शन ट्वेल्व ट्वेंटी 24 अब पता ही नहीं है पिछली क्लास में बताया है था रिड्यूस्ड को लास्ट क्लास में बताया था बेटा रिड्यूस्ड कोएंजाइम कौन है पहले ये पता लगाओ सब बच्चे गलत है सब गलत है पहले ये पता लगाइए रिड्यूस्ड कोएंजाइम है कौन हु इज द रिड्यूस्ड कोएंजाइम बेटा मैंने लास्ट क्लास में बताया था एनएडी पॉजिटिव एक कोएंजाइम है जब ये रिड्यूस हो जाता है तो ये एनएडीएच बना लेता है तो ये हो गया reduced फिर बेटा पे हमने FAD positive use किया ये ये भी है जब रिड्यूस को तो क्या बनाएगा? FADH2. मतलब, reduced एक तो है है और अब तो गिन लो अब गिन लो कितने बन रहे एक क्रेप साइकिल में कितने एनएडीएच और कितने एफ टू बन रहे यही है रिड्यूस को तो एक क्रेप साइकिल में तीन तो एनएडीएच बन रहे है. एक आपका एफ टू बन रहा है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4. Yes, 4 is the right answer. ये बारह वाले बच्चे तो मैं हैरान हो रही हूं करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी फोर ठीक है चलिए अब हमारा इसके साथ क्रेप साइकिल समाप्त हुआ मैं इसकी जो डिटेल्ड बैलेंस शीट है वो ईटीएस के बाद ही बनवाऊंगी उससे पहले बेटा हम आज ईटीएस शुरू कर रहे हैं कर रहे हैं करना है मैंने बोला था आज का सेशन थोड़ा लंबा होगा आधा घंटा अभी सेशन तकरीबन आधा घंटा सेशन और चलेगा ठीक है ईटीएस करते हैं सो so ईटीएस का क्या नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीएस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ठीक है जी चलिए ETS का एक ही काम होता है हमने फोटोसिंथेसिस एक, मतलब एक जगह बढ़ा देना एक जगह प्रोटोन कम कर देना अब यार ये तुम्हारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन इज थ्रोन इन टू फोल्ड जिसका नाम है क्रिस्टे ठीक है जी यस yes, अब तुमने सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस किया एसी टाइम को उठ के आ गए थे यहाँ पर मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के अंदर ही क्या चला क्रेप साइकिल चला बेटे ये जो ईटीएस की लोकेशन है ना ट्रांसपोर्ट चेन हमेशा एक मेम्ब्रेन के अंदर होती है तो कौन सी मेम्ब्रेन के अंदर होगी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया याद रखेंगे व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द ईटीएस दैट इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है यस yes, याद रहेगा अच्छा इस इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हम ईटीएस को चलाएंगे और अल्टीमेटली अल्टीमेटली बेटा प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट कर देंगे जी हम प्रोटॉन को क्या करेंगे इंक्रीज कर देंगे और जो अंदर वाला एरिया है वहां पर प्रोटॉन को कम कर देंगे मतलब प्रोटॉन बढ़ाएंगे कहां पर आपको याद रखना है दैट वी विल इंक्रीज द प्रोटॉन हेयर यहाँ पे बेटा प्रोटॉन बढ़ जाएगा यहां पे प्रोटॉन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो इंटरमेम स्पेस में इंटरमेम स्पेस हुआ ना इंटरमेम स्पेस में प्रोटॉन विल इंक्रीज़, इस पूरा एटीएस के बाद मैं आपको जिस्ट बता रही हूं बेटा और मैट्रिक्स में मैट्रिक्स में बेटा प्रोटॉन विल डिक्रीज अगर मैंने ऐसे कर दिया अगर बेटा मैंने ऐसे कर दिया तो अल्टीमेटली ग्रेडियंट सेट हो जाएगा जिसका नाम है प्रोटॉन ग्रेडियंट ठीक है प्रोटॉन ग्रेडियंट लेकिन ये करेंगे कैसे कैसे करे? कैसे करें बेटा सारे प्रोटॉन्स को मैं मैट्रिक्स से उठा के बाहर फेंकू तो मेरा काम क्या हो गया मेरा काम हो गया कि जो मैट्रिक्स में प्रोटॉन प्रेजेंट है उसको उठा के बाहर फेंका जाए है ना कहा फेंका जाए आई एम एस में इंटरमेमरे स्पेस में फेंका जाए अब यार अगर तुम ये प्रोटॉन यहां से उठाकर बाहर फेंकना चाहते हो पहले प्रोटॉन बनाओ पहले प्रोटॉन बनाओ कहां से बनाओगे प्रोटॉन कहां से बनाओगे बेटा मैट्रिक्स में तुम्हारे पास भर भर के कौन बैठा था एनएडीएच बैठा था है ना और कौन बैठा था एफएडीएच2 बैठा है हमने यार एनएडीएच ग्लाइकोलाइसिस से भी बनाए अभी देखा क्रेब साइकिल से भी बनाया एफएडीएच भी बनाया मतलब इनके पास प्रोटॉन है इन्हीं से इन्हीं की ऑक्सीडेशन करी जाएगी क्या करी जाएगी बेटा इन्हीं की क्या करेंगे अपन लोग ऑक्सीडेशन करेंगे मैट्रिक्स में ही करेंगे बेटा ऑक्सीडेशन करेंगे इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और उस ऑक्सीडेशन के बाद क्या निकलेंगे प्रोटॉन कहां फेंकेंगे उसको बाहर जब अपने प्रोटॉन को बाहर फेंकेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा ठीक है जी यस yes. अब इन इनकी ऑक्सीडेशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए एनर्जी बेटा इसको समझना इनकी ऑक्सीडेशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए एनर्जी एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से कैसे आती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब ये जो जो इनर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है है यहां पर इलेक्ट्रॉन वो मूव करते रहेंगे ईटीएस चलता रहेगा और एनर्जी मिलती जाएगी एनर्जी मिलेगी ये लोग ऑक्सीडाइज होंगे ऑक्सीडाइज होंगे एच पॉजिटिव आएगा और ये एच पॉजिटिव हम बाहर आई एम एस में इंटरमेंब्रेन स्पेस में भरते जाएंगे ठीक है इंटर इंटरमेम स्पेस में भरते जाएंगे बात समझ आई तो एनर्जी का सोर्स क्या है एनर्जी का सोर्स है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने फोटोसिंथेसिस या में भी किया हुआ है बेसिक बता रही हूं कि ईटीएस चलाया क्यों जा रहा है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट क्यों करा जा रहा है एक दूसरे को दे रहा है दूसरा तीसरे को दे रहा है तीसरा चौथे को दे रहा है देयर इज अ रीजन क्योंकि बेटा हमने उससे एनर्जी बनानी है ठीक है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एनर्जी बनानी है एनर्जी बनाएंगे तो क्या होगा ऑक्सीडेशन होगी किसकी किसकी NADH की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड FADH2 की ठीक है अल्टीमेटली यहां से क्या निकलेंगे प्रोटॉन और प्रोटॉन कहां से कहां मूव करेंगे मैट्रिक्स से IMS IMS इज इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस बेटा मैं तुम्हें पहले बता दूं ये जो तुम्हारे नोट्स बन रहे हैं ना इन नोट से बाहर तुम्हारा एक भी सवाल नहीं आएगा यस yes. इन नोट से बाहर एक भी क्वेश्चन तुम्हारा पेपर में नहीं आएगा और अगर तुमने नोट्स को समझ के नहीं बनाया तो मेरा प्लांट फिजियोलॉजी तुम्हारे लिए हमेशा एक टैबू रहेगा आज तुम बोल रहे हो कि मुझे प्लांट फिजियोलॉजी करा लो आज से दो महीने बाद भी तुम ये बोलोगे चार बाद भी ये बोलोगे पेपर से दो दिन पहले भी यही बोलोगे कि ये रिवाइज करा दो क्यों क्योंकि तुमने फर्स्ट टाइम ध्यान से नहीं सुनी ये बेटा मैं आपको बता दू ये आखिरी टाइम है आखिरी इट इज द लास्ट टाइम वेन आई विल बी डीलिंग विद प्लांट फिजियोलॉजी इन डिटेल ये बेटा आखिरी टाइम है जब डिटेल में हो रहा है जिसको कुछ भी नहीं आता तुम ग्यारहवीं क्यों बारहवीं क्यों ड्रॉपर हो फर्स्ट हो सेकेंड हो कुछ भी नहीं आता ना बेटा तो भी अभी समझ सकते हो लेकिन अगर तुम पहुंच गए दिसंबर में जनवरी में तब बेटा ना कोई डिटेल में कराएगा ना तुम्हें वन शॉट से समझ आएगा क्योंकि तब चलेंगे भर भर के वन शॉट प्रैक्टिस चलेगी भैया जिसने डिटेल नहीं समझा उसके लिए वन वन शॉट शॉट जीरो है, मतलब तो मतलब है तुम्हारा तो तो तब रिवाइज होएगा क्वेश्चन निकलना तो बहुत दूर की बात है बहुत दूर की बात है बेटा इसमें क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स है मान के चलो ठीक है जी चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट आते हैं बेटा अब ईटीएस का मैंने पर्पज सीख लिया इी में बेटा टोटल पांच कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट करते हैं कितने कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट करते हैं फाइव कॉम्प्लेक्सिपेट हाउ मेनी फाइव तो इन फाइव का बेटा नाम याद रखना है फाइव कॉम्प्लेक्स से पार्टिसिपेट ये कॉम्प्लेक्स कहां प्रेजेंट होते हैं इनर मेमोरियन ऑफ माइटोकॉन्ट्रिया अब बेटा जिनके पास पुरानी एनसीआरटी है हाथ खड़ा करें जिनके पास पुरानी NCRT है यस कम ऑन रेज योर हैंड जिनके पास ओल्ड एनसीआर बेटा उसमें डायग्राम गलत बना हुआ है ETS का डायग्राम गलत बना हुआ है ये मैं आपको बता रही हूं तो पुरानी है कोई बात नहीं नई है तो बहुत अच्छी बात है हम लोग इसको नई एनसीआरटी के थ्रू करते हुए जो करेक्ट है उसको फॉलो कर रहे हैं ध्यान देना है पुरानी में इसमें गड़बड़ की हुई है उन्होंने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में चलिए याद करते हैं बेटा कौन से कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स वन याद करना पड़ेगा बेटा दिया हुआ एनसीआर में कोई चारा नहीं है कोई है। है? है? है ठीक ये ये किस किस से से। बना बना हुआ ये बना हुआ है and -E से. याद करना पड़ेगा बेटा एफ एम एन और एफई एस -E से ठीक है अब इनकी फुल फॉर्म क्या है? वैसे फ्लेमोमोनो न्यूक्लोटाइड बट आपको आएगी नहीं तो एक फुल फॉर्म पे इतना फोकस नहीं करेंगे हां जी देन आता है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर टू का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज डिड इट रिंग अ बेल सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कुछ दिमाग में आया जो आया तो वो बता दो जो आया तो बता दो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बना हुआ है एफएडी और एफईएस से क्या आया दिमाग में कि यार सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज वाला तो क्रेब्स साइकिल में भी यूज हो रहा था आया कि नहीं आया और मैंने वहां पर इसको एक्सेप्शन लिखा था कि क्रेब्स साइकिल का इकलौता एंजाइम है विच इज नॉट प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रादर इट इज प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है ना इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया चलिए देन आते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर पे कॉम्प्लेक्स नंबर फोर बना हुआ है साइटोक्रोम बी अच्छा पहले थ्री आना है ओहो कॉम्प्लेक्स नंबर थ्री दैट इज साइटोक्रोम साइटोक्रोम को मैं साइटो लिखूंगी आगे बी सी वन कॉम्प्लेक्स या फिर इसको बोलते हैं साइटोक्रोम साइटोक्रोम सी सी रिडक्टेस रिडक्टेस किसका बना हुआ है ये बना हुआ साइटोक्रोम बी का ये बना हुआ है एफईएस का ई एस ऑलमोस्ट सब में है साइटोक्रोम सी वन का ठीक है सी वन का देन आता है कॉम्प्लेक्स फोर टोटल पांच कॉम्प्लेक्स है बेटा देन आता कॉम्प्लेक्स फोर कॉम्प्लेक्स फोर है साइटोक्रोम ए ऑक्सीडेज है ये किससे बना हुआ ए और ए थ्री से इट इज मेड अप ऑफ साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम ए थ्री बेटा मैं पहले सारा बैकग्राउंड बना दूंगी आखिर में पहले सारे इंफॉर्मेशन दे दूंगी कि कर क्या रहे हैं किसके साथ कर रहे हैं एंड देन हम आखिर में करेंगे ओके okay जी लास्ट कॉम्प्लेक्स 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 इज एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स विच इज मेडअप ऑफ एफ नॉट एफ वन एफ नॉट एफ वन ठीक है जी तो ये पांच कॉम्प्लेक्स है बेटा कितने कॉम्प्लेक्स है एटीएस में पांच कॉम्प्लेक्स है बट क्या पांचों के पांचों यूज होते हैं हां जी क्या पांचों के पांचों यूज होते हैं मेरे हाथ में पांच उंगलियां हैं क्या मैं पांचों के पांचों लिखने के लिए यूज करती हूँ नहीं करती बेटा सेम वे इनर मेम्ब्रेन में मेरे पास ये पांच कॉम्प्लेक्स है पांचों के पांचों यूज नहीं होते हैं ईटीएस में याद रखेंगे ईटीएस में अगर मैं देखूंगी तो कॉम्प्लेक्स वन टू थ्री और फोर ही यूज हो रहा है बस फाइव यूज नहीं हो रहा है यार फाइव क्यों पढ़ रहे फाइव क्यों पढ़ रहे हैं One, two, three, use हो रहे रहे में 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 क्यों पढ़ रहे हैं बेटा होता होता है chemiosmosis में. Five किस में use होता है किस जब हम प्रोटोन ग्रेडियंट को तोड़ते हैं जैसे फोटोसिंथेसिस में तोड़ा था यहां भी तोड़ेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट को ठीक है केमी ऑस्मोसिस में तो वन टू थ्री फोर इटीएस फिफ्थ वन वुड बी यूज्ड इन केमी ऑस्मोसिस चलिए अब मेरे पास दो चीजें हैं ऑक्सीडेशन करने की बेटा याद करो ये नोट्स मैं तुम्हें टेलीग्राम पे दे दूंगी सीजा बायोलॉजी है आ जाना बच्चे हो चुके हैं उसमें उसको एक तो फटाफट -फड़ से बढ़ाते हैं और वहां पे मिल जाएंगे अगर कुछ मिस हो जाए तो हाँ जी मैंने क्या बताया था किन दो चीजों की ऑक्सीडेशन बेटा जी हमें करनी है एनएडीएच और एफ की दोनों की ऑक्सीडेशन ईटीएस में होगी लेकिन अलग अलग कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट करेंगे अलग अलग बेटा कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट करेंगे मैं इसको रिमूव कर रही हूं बेटा अलग अलग कॉम्प्लेक्स जब बेटा ऑक्सीडेशन कर रहे हैं एनएडीएच और एफ एडीएच टू एनडीएच टू की एनडीएच के ऑक्सीडेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर वन थ्री फोर यानी कि वन थर्टी फोर ऐसे याद कर लो वन थर्टी फोर पार्टिसिपेट करेंगे एफ एडीएच टू में टू थर्टी फोर पार्टिसिपेट करेंगे यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर टू थ्री एंड फोर तो मतलब विच कॉम्प्लेक्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनडीएच ऑक्सीडेशन तो तुम बोलोगे टू डज नॉट पार्टिसिपेट इसमें कौन एबसेंट है टू एबसेंट है इसमें कौन एबसेंट है वन एबसेंट है फाइव नहीं लिख के आएंगे क्योंकि five तो पार्ट ही नहीं है five तो ऑक्सीडेशन में ठीक है जी अब इसमें इन सब कॉम्प्लेक्सेस के अलावा कुछ मोबाइल कैरियर्स भी हम देखेंगे मैं पहले बता देती हूँ कौन सा मोबाइल कैरियर आने वाला है कौन सा मोबाइल कैरियर बेटा जी आने वाला है तो देख लें मोबाइल कैरियर यस हां जी दो मोबाइल कैरियर के बारे में बताऊंगी एक है बेटा यूबी क्यूनॉन यूबी क्यूनॉन ठीक है जी ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है क्या कैरी करेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरियर करेगा तो यूबी किनॉन जैसे वहां पड़ा था प्लास्टो किनॉन यहां है यूबी किनॉन और दूसरा है बेटा साइटोक्रोम सी साइटोक्रोम सी याद रखना है मैं अभी में सी। ये भी एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है अब साइटोक्रोम सी के बारे में हमारी ना कुछ कहती है जो हमें याद रखना है क्या कहती है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है बहुत अच्छा सवाल है मेरा ना मन कर रहा है मैं यही रुक जाऊं और दिव्या यादव देवा यादव का आंसर दू बहुत अच्छा सवाल बेटा बच्ची ने पूछा है दिव्या यादव एंड देवा यादव मेरा मन है मैं यहीं पर रुक जाऊं बट मैं लिख के रुकूंगी इट्स अ स्मॉल प्रोटीन लार्ज नहीं है एनसीआरटी इसको लार्ज लार्ज मान लो बोल दे तो तुम बोलोगे रॉन्ग स्टेटमेंट है स्मॉल प्रोटीन टू प्रेजेंट प्रेजेंट पर है टू वर्ड्स आउटर सरफेस आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन क्या कहना चाह रहे हैं कि जो तुम्हारी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है

जो कि इनर मेम्ब्रेन के आउटर वाले सरफेस पर प्रेजेंट है ठीक है जी यस साइटोक्रोम सी साइटोक्रोम जनरली बेटा आयरन कंटेनिंग होते हैं बट इसमें ए एंड ए थ्री में कॉपर बी प्रेजेंट है यहां पे लिख देते हो साइटोक्रोम बेटा जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सब लिखवा रही हूँ इट हैज आयरन एंड ऑल्सो हैज कॉपर ए कॉपर बी दो चीजें बेटा इसमें प्रेजेंट है आयरन तो हमने पढ़ा हुआ है मिनरल न्यूट्रिशन में बट यहाँ पर कॉपर भी है हाँ जी अब मैं उस बच्चे के कॉमेंट में वापिस आती हूँ वो दिव्या कह रही थी दिव्या चली गई क्या दिव्या कह रही थी कि मैम नोट्स कब तक शेयर हो जाएंगे बेटा ऐसा तो है नहीं कि मैं नोट्स लिख के लाई हूं अगर मैं लिख के लाती तो बड़ा आसान हो जाता ये लेक्चर हम आधे घंटे में निपटाते बेटा कितने देर में निपटाते आधे घंटे में निपटा के क्लास खत्म हो जाती अगर मैं नोट्स लिख के लेके आती बट मैं कुछ भी लिख के नहीं लाई तो यार बेटा नोट्स तो तभी शेयर हो पाएंगे जब हम लिख लेंगे लिखेंगे हम तभी जब क्लास खत्म होगी क्लास खत्म होगी तभी अगर तुम अभी पढ़ने पे ध्यान दोगी बेटा अगर आपको नोट्स ही चाहिए ना तो ले लेना ठीक है बहुत बच्चे ऐसे जिनको लगता है पढ़ने से कुछ नहीं होता तो नोट्स मिल जाए बस बेटा नोट्स इकट्ठे करते जाओ ढेरी लगाते जाओ नोट्स की अगर तुम्हारे पास ऐसे नोट्स हैं जिनसे तुमने पढ़ नहीं रखा है जो तुमने अपने हाथ से नहीं बनाए वेस्ट है वो चाहे किसी टीचर के हैं किसी टॉपर के हैं 700 नंबर वाले के हैं 750 720 वाले के कोई फर्क नहीं पड़ता वेस्ट है वो ठीक है वेस्ट है चलो नेक्स्ट बेटा अब हमने सारा बैकग्राउंड कर लिया है किसका बैकग्राउंड कर लिया सारा बैकग्राउंड बेटा मैंने आपको करा दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का अब हम चेन बनाने वाले हैं अब फिर से आप अपनी कॉपी को पोर्ट्रेट मोड से कर लीजिए लैंडस्केप मोड पे पहले एनएडीएच का बताऊंगी फिर एफएडीएच का बनाऊंगी ये पोर्ट्रेट मोड है इसको कर लीजिए बेटा लैंडस्केप मोड तो बनाते हैं कहां पर हो रही है ये सारा प्रोसेस ये सारा प्रोसेस हो रहा है बेटा इनर मेम्ब्रेन में तो ये इनर मेम्ब्रेन है ये सारा मैंने क्या बनाया है इसको प्रॉपर बना लेते हैं यस दिस इज इनर मेमब्रेन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है इस साइड में लिख रही हूँ कि मैट्रिक्स है और इस साइड हम लिख रहे थे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस ठीक है जी यस अच्छा एनएडीएच कहां बैठा है मैट्रिक्स में बैठा है या इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में बैठा है सोचो 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 बच्चों एनएडीएच अभी कहां पर बैठा है मैट्रिक्स में या फिर इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में क्योंकि मुझे NADH के ऑक्सीडेशन करनी है बेटा तभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे है ना कहां बैठा है बहुत सारा NADH हमने क्रेब साइकिल से बनाया ग्लाइकोलाइसिस से भी दो बनाए थे ठीक है वो सारा NADH अभी कहां पर बैठा हुआ है बेटा NADH बैठा हुआ है मैट्रिक्स में इसकी करनी है अपन को ऑक्सीडेशन कर दी प्लस H पॉजिटिव कर दिया अब बेटा इसने क्या रिलीज किया इसकी ऑक्सीडेशन से क्या रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए क्या रिलीज हुए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो ये बेटा यहां पर अंदर एंट्री मारे इनर में इस इलेक्ट्रॉन को पिकअप कौन करेगा इस इलेक्ट्रॉन को बेटा पिकअप करेंगे सबसे पहले एफ एम एन ठीक है फिर इस इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया एफ ई एस ठीक है जी कितने इलेक्ट्रॉन है अभी मैं यहां पर लिख देती हूँ दो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं बेटा अभी अपने पास ठीक है ये एफ एम एन और एफ ई -E एस मिलकर तो बेटा कुछ बनाते हैं ये एफ एम एन और एफ ई -E एस मिलकर बेटा कुछ बनाते हैं ध्यान देते जाना बेटा क्या बन रहा है एफ एम एन और एफ ई -E एस मिलकर तो बेटा कुछ बनाते हैं एंड दे फॉर्म दे टुगेदर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर वन क्या बनाते हैं बेटा जी कॉम्प्लेक्स नंबर वन बनाते हैं बना लिया एफ एम एन और एफ ठीक है कॉम्प्लेक्स वन यानी कि सबसे पहले जो अपने पास इलेक्ट्रॉन आए वो एफ एम एन ने लिए एफ एम एन ने आगे किसको दे दी एफ ई एस को अब एफ ई एस बेटा इस इलेक्ट्रॉन को आगे पास ऑन कर देगा इसी टू इलेक्ट्रॉन को आगे पास ऑन कर देगा एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन एलिमेंट पे और जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर मैंने तुमको बताया था वो हम यहां पर यूज कर लेते हैं यूबी क्यूनॉन सबसे पहले कौन सा यूज किया बेटा जी यूबी क्यूनॉन तो यूबी क्यूनॉन के पास ये टू इलेक्ट्रॉन पहुंच गए जैसे बेटा ने टू इलेक्ट्रॉन लिए ये कन्वर्ट हो गया कन्वर्ट हो गया रिड्यूस्ड फॉर्म में ठीक है किसमें कन्वर्ट हो गया रिड्यूस्ड फॉर्म में यूबी यू क्यू एच टू जिसको यूबी क्यूनोन बोल देते हैं या फिर यूबी क्यूनॉन Reduced form बोल देते हैं। अब इस इस में, प्रोसेस में बेटा इसकी रिड़क्षन करी। रिड़क्षन करी तो मैंने यहाँ पर ultimately matrix से दो एच पॉजिटिव लिए जब मैंने लिए, तो यहाँ पर बेटा इसने फिर क्या रिलीज किया दो एच पॉजिटिव इधर फेंक दिए। बेटा यहाँ पर फेंक दिए तो समझो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। FMN से यानी कि ने किसको दिया? UQ को दिया। UQ UQ को आगे जाकर क्या हो गया? Reduce हो गया? गया। पे बेटा इसने दो इलेक्ट्रॉन यहां से लिए और दो इलेक्ट्रॉन इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को बेटा आगे दिया जाए दो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं ट्रांसफर होते जा रहे हैं ये दो इलेक्ट्रॉन्स को पिकअप कौन करेगा नेक्स्ट वुड बी नेक्स्ट वुड बी बेटा साइटोक्रोम बी साइटोक्रोम बी साइटोक्रोम बी ने बेटा इसको दे दिया एफ एस को आगे दे रही है साइटोक्रोम C1 को ठीक है जी अब तुम्हें याद होना चाहिए कि ये तीनों मिलके साइटोक्रोम B, एफ और C1 मिलकर बेटा कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं यहां पर भी टू इलेक्ट्रॉन कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर यस yes, टू थर्टी फोर था ना तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा कॉम्प्लेक्स नंबर थ्री ठीक है जी वन थर्टी फोर था कॉम्प्लेक्स नंबर थ्री बन गया अब यार ये जो साइटोक्रोम C1 है ये इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा फिर से एक मोबाइल कैरियर को एंड यहां पर जो मैं मोबाइल कैरियर यूज कर रही हूं जो बचा हुआ है साइटोक्रोम C साइटोक्रोम C जैसे यूबी किनॉन था यहां पर मैंने क्या ले लिया साइटोक्रोम C ये भी एक मोबाइल कैरियर है ये मोबाइल कैरियर बस इलेक्ट्रॉन को लेगा और आगे फेंक देगा इसने बेटा यहां से टू इलेक्ट्रॉन लिए कलर चेंज कर देते हैं पुराना वाला ले लेते हैं यस yes. इसने बेटा यहां से टू इलेक्ट्रॉन लिए और आगे किसको दे दिए साइटोक्रोम सी ने बेटा आगे दे दिए नेक्स्ट आता है साइटोक्रोम ए एंड देन साइटोक्रोम ए और, मिलकर, साइटोक्रोम और मिलकर बेटा बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर फोर यस सो दिस गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स नंबर फोर है ना तो ये था बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर वन ये था कॉम्प्लेक्स नंबर थ्री और ये था कॉम्प्लेक्स नंबर फोर तो दो इलेक्ट्रॉन दौड़ते जा रहे हैं दौड़ते जा रहे हैं तो टू इलेक्ट्रॉन यहां और टू इलेक्ट्रॉन यहां पर ठीक है और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये डाल देंगे मैट्रिक्स में क्या इतना समझे इतना समझे कि हम कर क्या रहे हैं हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एन क्या कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एन जो कि कहा बैठा है मैट्रिक्स में ठीक है इसकी ऑक्सीडेशन करने पर हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ठीक है है ये ये जो इलेक्ट्रॉन इस ट्रांसपोर्ट चेन में दौड़ते जा रहे हैं ये बेटा यहां से ट्रांसपोर्ट हुए इसके पास यहां से गए इसके पास ठीक है जी अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉम्प्लेक्स है ये प्रेजेंट है इनर मेम्रेन ऑफ माइटोकॉन्ट्रिया में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स विल बी पिक्ड अप बाय द कॉम्प्लेक्स पिक्डअप

प्रोटॉन उठाकर फेंक रहे हैं स्पेस में अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स वन की किसकी बात करूं बेटा मैं अगर मैं सिंपली बात करूं कॉम्प्लेक्स वन की तो कॉम्प्लेक्स जो वन है वो दो प्रोटॉन भेजता है कितने भेजता है दो प्रोटॉन ट्रांसफर करता है यहां से यहां बेटा मैट्रिक्स से लेकर स्पेस में ये तो बेटा यहां पर लिखा ही है यूबी के नॉन भी कितना ट्रांसपोर्ट करता है दिख ही रहा है दो हाइड्रोजन एटम ठीक है जी दो प्रोटॉन यानी कि अगर मैं इन दोनों को साथ में बेटा इन दोनों को साथ में लिखती है तो टोटल यहां से कितना हो जाएगा टोटल बेटा इनको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते यस तो टोटल बेटा यहां पर कितना हो जाएगा द गेन ऑफ फोर इलेक्ट्रॉन फोर प्रोटॉन ठीक है फोर प्रोटॉन उठकर कहां पर आ चुके हैं मैट्रिक्स से इंटरमेम स्पेस थैंक्स टू कॉम्प्लेक्स वन कॉम्प्लेक्स 3 को बेटा अगर ध्यान दिया जाए कॉम्प्लेक्स थ्री बेटा ट्रांसपोर्ट करता है पंप करता है कितना प्रोटॉन उधर से इधर चार प्रोटॉन फोर प्रोटॉन कितना प्रोटॉन और अगर बात करें कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर की तो बेटा कितना करता है टू प्रोटॉन ये आपको याद रखना है ये आपको याद रखना है मतलब जब एक एनडीएच का ऑक्सीडेशन होता है सो फ्रॉम कॉम्प्लेक्स वन एंड यूबी के नॉन टोटल फोर प्रोटॉन कम्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स थ्री फोर अगेन एंड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फोर कितने आ गए दो तो चार प्लस चार प्लस दो टोटल कितना हुआ बच्चों टोटल कितना हुआ बताएंगे बता दो यार टोटल कितना हुआ यस टोटल कितना हुआ हां जी बता दो टोटल भैया फोर प्लस फोर प्लस टेन प्लस टू यस टोटल कितने हुए दस प्रोटॉन फेंक दिया आपने कहा से कहा फेंकिए मैट्रिक्स से उठाकर कितना फेंक दिया कहां पर फेंक दिया इंटरमेम स्पेस में मतलब स्पेस में दस प्रोटॉन बढ़ गए एज कंपेयर टू मैट्रिक्स यही नहीं और प्रकोप भी कर रहे हैं हम और भी कुछ कर रहे हैं ये जो दो इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पर अल्टीमेटली रिलीज हुए ना इन दो इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए आ जाएगा हाफ प्लस आ जाएगा यहां पर बेटा हाफ ऑक्सीजन प्लस प्रोटॉन से और प्रोटॉन मैट्रिक्स से और प्रोटॉन ले लेते हैं एच पॉजिटिव दो एच पॉजिटिव बेटा ले लिए देखो एक तो तुम यहां से प्रोटॉन को फेंक कर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में डाल रहे थे ऊपर से तुमने ये रिएक्शन करने के लिए मैट्रिक्स से और प्रोटॉन उठा लिए तो ये जो तुमने प्रोटॉन उठाए ये मैट्रिक्स से उठाए और इलेक्ट्रॉन हाफ ऑक्सीजन प्लस प्रोटॉन मिलके क्या बना लेते हैं वन वॉटर मॉलिक्यूल वन वॉटर मॉलिक्यूल यानी कि अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है अगर तुमसे पूछे इस इलेक्ट्रॉन को अल्टीमेट एक्सेप्ट किसने किया बताओ अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हाँ जी बता सकते हैं अल्टीमेटली इस इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट किया ऑक्सीजन ने है ना ये जो इलेक्ट्रॉन बेटा एन ने निकाले थे ऑक्सीडेशन के बाद ये इलेक्ट्रॉन को पूरा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया और अल्टीमेटली इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया ऑक्सीजन को ताकि ये मिलकर क्या बना ले पानी ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है और क्या बन रहा है पानी ठीक है जी क्या बन रहा है पानी ठीक है तो ये बात हो गई इन द ऑक्सीडेशन और द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ एन अगला बचता है अगला ऑफ है

और ये ओहो इनर मेम्ब्रेन लिखना था इसको ये है बेटा आपकी इनर मेम्ब्रेन ये इंटर इंटरमेमब्रेनस स्पेस हाँ जी तो ये है तुम्हारी इंटर इंटरमेंब्रेनस स्पेस ठीक है जी ओके और ये क्या हो जाएगी इनर मेम्ब्रेन कर लें फटाफट से एफ ए टू में किस किस को इन्वॉल्व करेंगे किस किस को करेंगे तुम खुद बताओ हम किसको करेंगे वहां पर 134 को कर रहे हैं यहां पर हम कौन कौन से कॉम्प्लेक्स को करेंगे 234 को करेंगे 234 को करेंगे तो कर लेते हैं ठीक है सबसे पहले एफ एडीएच टू को तोड़ा ठीक है एफ ए टू को अगर हम तोड़ेंगे तो एफ एडी पॉजिटिव बन जाएगा ऑक्सीडाइज कर दिया हाइड्रोजन आइटम निकाल दिए इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इसने बेटा यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकाले किसको दे दिए बेटा इसने दे दिए सबसे पहले एफ ए fad ने बेटा इसको आगे पास ऑन कर दिया fes को हाँ जी ये दोनों मिलके कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं fad एंड fes बताएंगे fad और fes कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर टू कौन सा बनाते हैं बेटा जी कॉम्प्लेक्स नंबर 2 सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस देयर दो इलेक्ट्रॉन उड़ते हुए पहुंच चुके हैं fes के पास fes ने बेटा ये किसको दे दिया मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर को जिसका नाम क्या है यूबी के नॉन यूबी के पता है रिड्यूस होकर क्या बना बनानेगा यूबी के यूबी किनॉल बना लेगा ठीक है जी और ये इस इलेक्ट्रॉन को आगे दे देगा नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स को आगे बेटा ट्रांसफर कर देगा इसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया अल्टीमेटली बेटा इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए आपके साइटोक्रोम बी बाकी सब सेम रहेगा बेटा साइटोक्रोम बी साइटोक्रोम बी से जाएगा एफई एस एफई एस से आगे जाएगा साइटोक्रोम सी वन और ये तीनों मिलकर और बेटा ये तीनों मिलकर बनाते हैं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थ्री यस कॉम्प्लेक्स नंबर थ्री तो दो इलेक्ट्रॉन बेटा चलते जा रहे हैं टू इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन अब बेटा साइटोक्रोम सी वन ने इसको दे दिया नेक्स्ट मोबाइल कैरियर को जिसका नाम है साइटोक्रोम सी ठीक है जी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर को दे दिया ये जो साइटोक्रोम सी है इस टू इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसपोर्ट कर देगा कहां पर ट्रांसपोर्ट करेगा साइटोक्रोम साइटोक्रोम ए बेटा याद करना है ऐसी हवा में बातें नहीं हो रही है कि पता नहीं क्यों लिख रही है मैं इतना सा ये तो बना हुआ है बना हुआ बेटा बनाना भी आ सकता है कुछ भी कैसा भी कॉम्प्लेक्स चीज आ सकती है और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर फोर टू थर्टी फोर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर तो दो इलेक्ट्रॉन बेटा चलते हुए आ रहे हैं चलते हुए आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं और इसने बेटा आगे इसको दे दिया और दो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए एन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज अगेन ऑक्सीजन प्लस दो प्रोटॉन मैंने फिर से मैट्रिक्स से ले लिए सेम रिएक्शन बेटा और क्या बना लिया वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अब देखते हैं कौन सा कॉम्प्लेक्स कितनी पंपिंग करने की क्षमता रखता है कौन सा कॉम्प्लेक्स कितनी पंपिंग करने की क्षमता रखता है बेटा याद रखना है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर टू है इसमें कोई पंपिंग की क्षमता नहीं है नो no पंपिंग इसने कोई एच पॉजिटिव मैट्रिक्स से लाकर आईएमएस में नहीं डाला इसके पास कोई पंपिंग एबिलिटी नहीं है कॉम्प्लेक्स 2 के पास बेटा 1 के पास थी 1 ने दो भेजे थे ठीक है 1 के पास थी अब चलते हैं 2 के 3 और 4 के पास 3 और 4 सेम रहेंगे यहां से कितने प्रोटॉन निकलेंगे एच पॉजिटिव चार और यहां से दो 2 एच पॉजिटिव ठीक है जी Yes, बाकी सेम रहेगा उधर 134 थर्टी फोर इधर टू थर्टी फोर वन से कितने निकले थे, थे. यहां पर वन है ही नहीं तो कुछ नहीं निकला टू भी कुछ नहीं निकालता है और अल्टीमेटली थ्री और फोर से फोर टू प्रोटॉन निकले मतलब यहां से चार प्रोटॉन और यहां से दो प्रोटॉन मैट्रिक्स से उठ के आए इंटर में स्पेस में टोटल कितने हो गए टोटल बेटा कितने प्रोटॉन हो गए आपके सिक्स प्रोटॉन्स वुड बी पंप्ड फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर मेम्रेनर स्पेस करते हो तो छोटो करते हो तो दस प्रोटॉन आते हैं दोनों केस में अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज आपका ऑक्सीजन टू फॉर्म वॉटर एक एक मॉलिक्यूल पानी का बन जा रहा है ठीक है वेरी गुड वेरी गुड समझ आ गया एक बार देख लो इसको समझ आ गया यस yes. तो क्या बेटा मैं यहां पर कुछ लिख सकती हूं कैन आई राइट वन लाइन ये मैंने क्या लिखा है ये तो चलो बाद में यूज हो जाएगा हां जी अगर तुमसे कोई पूछे कि एच पॉजिटिव कहां से कहां मूव हो रहा है बेटा फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं एच पॉजिटिव का मूवमेंट कहां से कहां है प्रोटोन का मूवमेंट मैट्रिक्स टू इंटरमेब्रेनर स्पेस है इंटरमेम स्पेस टू मैट्रिक्स है तुम बोलोगे द मूवमेंट इज फ्रॉम मैट्रिक्स टू आई एम एस इंटरमेम स्पेस देन तुमसे बेटा अगर कोई पूछे फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ एन ए डी एच कितने प्रोटॉन पंप होते हैं हाउ मेनी प्रोटॉन्स पंप एंड फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ एफ एडीएच टू हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर पंपड कितने एक एन ए डी एच अगर लेके चलेंगे तो हमने देखा था कि दस प्रोटॉन पंप किए थे फ्रॉम मैट्रिक्स टू आई एम एस और एक एफ टू लेकर चलेंगे तो मैंने छह प्रोटॉन प्रम किए थे फ्रॉम मैट्रिक्स टू आईएमएस ओके सो विद दिस नाउ वी आर डन विद ईटीएस हमने ईटीएस चला लिया लेकिन बेटा तुमने क्या कभी सोचा कि अरे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे थे एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे थे ऑक्सीजन कहाँ यूज हुआ ऑक्सीजन कहाँ यूज हुआ ग्लाइकोलिस में कोई ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ

और यहां पर कम करती है लेकिन मुझे इस रेस्पिरेशन से अल्टीमेटली एटीपी बनानी एटीपी तो बना ही नहीं एनर्जी तो बना ही नहीं अगर तुम एनर्जी बनाना चाहते हो तो तुम्हें करना पड़ेगा आखिरी स्टेप आखरी स्टेप आखिरी जिसमें हम इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ेंगे जब इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ेंगे ना तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आईएमएस से वापस भेजना पड़ेगा मैट्रिक्स में तोड़ेंगे तो एटीपी बनेगा यह बनाया ही किस लिए था ग्रेडियंट ताकि इसको तोड़े

गए हैं है ना थक गए हैं मैम हम पानी पियो फिर यस पानी पी लीजिए फटाफट ओके तो मुझे क्या बताना था तुम्हें हाँ एक चीज दिखानी थी लेट मी शो यू हाँ जी बेटा <laughs> यस फुल जोश है ठीक है बेटा थोड़ा ओवरलोड ना हो जाए आज एक्चुअली आपके लिए रिवाइज करने का बहुत हो गया आज मैंने इंपॉर्टेंट क्रेप साइकिल कराया काफी बड़ा था क्रेप साइकिल भी ठीक है ये है बेटा आपका क्रेब्स साइकिल लिख दू ठीक है फिर मैंने आपको इतना बड़ा इतना सब याद करने के लिए ईटीएस में दे दिया फिर मंगू की माफिया मंगू की टेक्निक भी कर ली हमने फिर ईटीएस हमने करी एनएडीएच और एफ ए डी एच टू की ठीक है जी अब इसके बाद हमारा एक घंटे का तकरीबन चैप्टर और बचा है तो वो हम ले लेंगे मंडे को कब ले लेंगे बच्चों मंडे को ले लेंगे ठीक है कल नहीं होगी बेटा मंडे को क्लास होगी अब कहा होंगी मंडे को अब कल क्या करना है मैच तो देखना नहीं है कल बेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डीपीपीज अभी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी थोड़ी देर में ये नोट्स तो अभी भेज देती हूँ टेलीग्राम पे बेटा अभी मैं शेयर करने वाली हूँ आपको डीपीपी और उस डीपीपी से बेटा आपको अवेल करना है। ठीक है डीपी भी सॉल्व करनी है इस समय एक मिनट रुको तुम्हें कुछ दिखाना था यस हाँ जी बेटा और अगर आपको बताया जाए तो अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं मेरा नया बैच चल रहा है बैच का नाम है बेटा जी लक्ष्य बैच क्या नाम है लक्ष्य बैच अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ बेटा यहाँ पर समझ आता है तो वहां तो आप आएगा वहां पर मेरा पर्सनल कनेक्ट है मेरे बच्चों के साथ तो यार आप लोग एनरोल कर सकते हैं कोड आप मेरी मेंटोरशिप के लिए गाइडेंस के लिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल यूज करें सीप लाइफ जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और अभी बेटा जो ऑफर चल रहा है दैट इज सिक्स मंथ्स पे वन मंथ्स का मेरे ख्याल से कल तक था आप एक बार चेक कर लेना इसको लेकिन अगर ये ऑफर हुआ नहीं हुआ तो टेन परसेंट ऑफ रहेगा हुआ तो बेटा बहुत अच्छी बात है कोड क्या लगाना है आपको सीप लाइव लगाना रहेगा और बेटा आप पंद्रह नवंबर से स्टार्ट होने वाला एक ऑफलाइन बैच नोएडा में ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है रैंकर्स प्रो बैच ठीक है इसको ज्वाइन करने के लिए भी और चाहते हैं कि मैम से भी ऑनलाइन पढ़ते रहे तो यार कोड क्या लगा देना आप सीप uh, लाइव लगा देना ठीक है जी बाकी अन अकेडमी के सेंटर्स बहुत सारी जगह खुल गए हैं अगर आप चाहते हैं कि यार कल को मैं सब्सक्रिप्शन लूँ अभी ना लू अभी जस्ट मेरे पास अभी इतना फंड्स नहीं है कि मैं सब्सक्रिप्शन ले पाऊं अगर आप चाहते हैं कि यार कल को सब्सक्रिप्शन ले तो आप अपनी सीट को प्री बुक कर सकते हैं एट रुपीज नाइन नाइनटी नाइन प्री बुकिंग के लिए भी बेटा कोड लगा देना सीप सीपलाइव ठीक है जी चलिए अब बेटा इंदौर में भी सेंटर आ चुका है अगर आप इंदौर में रहने वाले हैं तो इंदौर में जाके आपसे पढ़ सकते हैं और अन अकेडमी अब लाइव है जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ जितने बच्चे ऐप पे हैं, वो यार आपस में कंपीट कर सकते हैं। केबीसी टाइप बहुत अच्छी गेम होती है तो गेम की फॉर्म में आप लोग लर्न भी कर लेते हो, तो इसके लिए अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करिए ठीक है जी चलिए ओके okay, बेटा मिलते हैं मंडे को मंडे को इस चैप्टर को खत्म करेंगे और उससे अगला चैप्टर ऑलरेडी लॉन्च है वैसे तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या रहेगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओके गाइस चलिए सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया करो एक कॉमेंट जरूर छोड़ के जाया करो ताकि आपके साथीगण जूनियर्स उस चीज को देखे और उनको लगे कि यार उनका ये आने वाला डेढ़ घंटा वेस्ट नहीं होने वाला उनको ये चीजें समझ आएंगी नोट्स मैं अभी आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ ठीक है थैंक यू सो मच गाइस बाय बाय